नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। मैं पत्रकार संदीप नोखवाल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आदमपुर उपचुनाव रोड़े की हड्डी बन चुके हैं भाजपा के लिए। जी हां, आदमपुर उपचुनाव के बीच ही भाजपा और JGP में बड़ी तकरार देखने को मिल रही है। जी हां, ये तकरार इस कदर भी पहुंच सकती है कि शायद भाजपा JGP गठबंधन टूट जाए और हरियाणा के अंदर सरकार गिरने के आसार भी हो सकते हैं, क्योंकि JGP पार्टी के नेता काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये आखिर नाराजगी क्यों हुई आपको बताना चाहूँगा कि आदमपुर में उपचुनाव चल रहे हैं, भाजपा ने कुलदीप बिश्नोई के पुत्र भव्य बिश्नोई को टिकट दिया है, लेकिन चुनावी प्रचार के पोस्टरों से JGP के नेता गायब दिखाई दिए, यानी दुष्यंत राज जी के कहीं भी फोटो देखने को नहीं मिली। इस पर JGP ने आपत्ति जताई है और आज अपनी एक संसदीय बोर्ड की मीटिंग भी बुलाई है। भाजपा की अकेला चलो रे की रणनीति JGP को काफ़ी खटक रही है। BJP का रवैया काफ़ी परेशान कर रहा है। आपको बता दें कि JGP-BJP गठबंधन में कुछ सही नहीं चल रहा है। दोनों दलों के बीच पिछले कुछ दिनों से अंदरूनी कलह चल रही है, जिसके बाद JGP के महासचिव दिग्विजय चौटाला खुलकर सामने आए। उन्होंने आदमपुर उपचुनाव में BJP के पोस्टरों में JGP नेता के फोटो न होने पर कड़ी आपत्ति जताई। चौटाला का कहना है कि दिल्ली में संसदीय बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई है, इस पर फैसला किया जाएगा। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अजय चौटाला के साथ डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी भी मौजूद रहेंगे। अगर हरियाणा सरकार में सीटों का गणित देखा जाए तो 40 सीटें भाजपा के पास है, बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए, 10 सीटें JGP के पास है, तो टोटल 50 सीटें हुई और इस प्रकार से हरियाणा के अंदर सरकार बनी। BJP का ये रवैया हानिकारक काफ़ी हैरानीजनक है, ऐसा दिग्विजय चौटाला JGP महासचिव ने कहा। वहीं पर आपको बताना चाहूँगा कि निर्दलीय MLA ने कहा कि JGP से गठबंधन तोड़ दो। हरियाणा प्रभारी विप्लव देव ने मुलाकात की निर्दलीय विधायक ने कहा कि हम BJP के साथ हैं, बिना शर्त कटर सरकार को समर्थन देंगे। JGP कोटे के मंत्रियों से भी यहाँ पे विप्लव देव मिले और उन्होंने गठबंधन तोड़ने की बात भी कही। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी बड़े एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने पार्टी विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा को BJP प्रेम के चलते हरियाणा खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन पद से हटा दिया, और इसी बीच निकाय चुनाव को लेकर भी उन्होंने CM मनोहरलाल के विकास कार्य अपने क्षेत्र में करवा रहे हैं। निर्दलीय चुनाव जीते चेयरपर्सन को उनके पति और अन्य पार्षदों के साथ भाजपा में शामिल करवाया। 150 नेता शामिल कर BJP बड़ा झटका दे चुकी है। हरियाणा में JGP के साथ गठबंधन सरकार चल रही है। BJP 16 सितंबर को एक बड़ा झटका दे चुकी है। JGP के संस्थापक सदस्य और डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी के विशेष सचिव रहे महेश चौहान सहित 150 JGP नेता तथा कार्यकर्ता को पार्टी छोड़कर BJP में शामिल हो गए हैं। इनमें से कई हल्का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी सदस्य भी शामिल थे। इसको आपका क्या सोचना है आप कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा HBN 24 न्यूज के साथ, बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।